शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम अलियापुर रेलवे क्रॉसिंग के निकट एक युवक अपने गन्ने के खेत में पानी लगा रहा था। गन्ने के खेत में अचानक निकले 5 व्यक्ति साधु के वेश में थे और उनकी कैद में 5 वर्ष का मासूम बच्चा था। यह देख ग्रामीण भयभीत हो गया। ग्रामीण ने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर खेतों में पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस खेतों में काबिंग की और ड्रोन कैमरे से निगरानी की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा और पुलिस खाली हाथ वापस लौट आई। गोपाल, कहाँ रहते हो आप? अलियापुर। क्या मामला था यहाँ पर? मैं खेत में पानी लगा रहा था। किसके खेत में? संजू चाचा। अच्छा, तो मैं आ रहा था पानी लगाते लगाते, आगे साठ फटते फटते आ रहा था, तो कुछ खर फर आवाज आई, तो मैंने सोचा कुछ जानवर हूँ खारी में, तो मैंने भगाया हूँ, तो मैं थोड़ा वहाँ पौड़िया रख दी। मैं आया तो वो आदमी दिखाने मुझे बाबा लोग। अच्छा, कितने थे ये? 5। अच्छा, बाबा बच्चे को पकड़े हुए थे? हाँ, गोद में ले लिए हुए थे। अच्छा, और मुंह में टेप लगा हुआ था बच्चे के? हाँ, बच्चे के। कितना बड़ा बच्चा हुआ? कोई होगा करीब 3.5-4 साल का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आया पेड़ गाड़ में, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, मैं भाग गया। अच्छा, मैंने संजीव चाचा को फ़ोन किया। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर ये आए, फिर इन लोगों ने सभी फ़ोन किया। हमारा नाम सुमित कुमार प्रधान। अच्छा, इसे क्रॉसिंग क्या हो गया, क्या मामला था? मामला ये है कि यहाँ एक बच्चे को पकड़े हैं, 4 बाबा हैं, संजू प्रधान ने देखा है। अच्छा, और चारों तरफ आदमी लगे हुए हैं, पकड़े हैं। अब फोर्थ भी आ रहा है। कोई बच्चा साथ में था? कोई बच्चा है साथ? बच्चा है, लड़की के टेप भी लगाए हुए। ये आज सुबह PRV पर 9:05 पर एक सूचना मिली थी। एक व्यक्ति गोपाल, जो सरसा थाना नवाबगंज का रहने वाला है, उसके द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा देखा गया है कि कुछ बाबा लोगों के द्वारा एक बच्चे को खेत की तरफ भेजाया गया था, जैसा उसने बताया। जैसे सूचना प्राप्त हुई ड्रोन से, साथ ही साथ हमारे 3 थानों की पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पहुंचे और वहां पर पूरे एरिया को कॉम्बिंग करवाया गया है और अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है और अभी भी लगातार वहाँ पर हमारी ड्रोन से कॉम्बिंग जारी है और हो सकता है कि एक पूरी अफवाह है और मैं इसके अंदर अभी हम लगातार कॉम्बिंग कर रहे हैं और ऐसा अभी तक कुछ सामने निकल के नहीं आया है कि जिसमें कि ऐसी कोई बात हो जिसमें कि किसी बच्चे को किसी बाबा के द्वारा लेके ले जाया गया है और लगातार इस पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ इस तरह की जो अफवाहें चल रही है उस पर भी नज़र रखी जा रही है और एक अपील मैं करना चाहूँगा कि इस तरह की जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान ना दें, ना ही इस तरह की अफवाहें फैलाएँ। जो भी इस तरह की अफवाहें फैलाएगा उसके खिलाफ। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।